केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज गांधरबल का दौरा किया और जिले में विकास उपलब्धियों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यहां मानस बल पार्क में 19 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करने के अलावा विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी। इस कार्यक्रम में जिला विकास परिषद अध्यक्ष गांधरबल नुसरत इश्फाक, उपायुक्त गांधरबल श्यामबीर, PRI सदस्य, प्रमुख नागरिक और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। मानसबल पार्क की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने रोजगार और परामर्श केंद्र गांधरबल द्वारा आयोजित चल रहे मेगा जॉब मेले का निरीक्षण करने के अलावा विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का दौरा किया। ये मेला बेरोजगार मुक्त गांधरबल पहल के तहत रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। नित्यानंद राय ने स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार उद्यम शुरू करने और 50% से अधिक पंचायतों को नशा मुक्त बनाने की सुविधा देने के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। उन्होंने मेगा जॉब फेयर के आयोजन के लिए प्रशासन की भी सराहना की, जिसमें 8,000 के करीब स्थानीय युवाओं ने भाग लिया। इनमें 1180 युवाओं को विभिन्न पदों के लिए चुना गया। जम्मू कश्मीर, पहले भी जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, छात्र जीवन में भी आने की कई बार कोशिश किया था, लेकिन मैं उधमपुर से कभी आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन आज की विजिट और आज से एक साल पहले की विजिट और उससे भी एक साल पहले की विजिट, यानी लगभग 3-4 मेरी विजिट है इधर के 4.5 वर्षों में, और आज हंसता हुआ कश्मीर दिखाई पड़ता है। पहले रोता हुआ चिल्लाता हुआ कश्मीर की कहानियां दुनिया और हिंदुस्तान देखती थी, और आज मैं सुबह सुबह गुलमर्ग गया था। मैं गया था वहां FDL साइड में अपनी सीमा सुरक्षा की समीक्षा करने। तो आज देश की सीमा हमारी कितनी सुरक्षित है, और उस क्रम में कई डेवलपमेंट की चीज भी देखने को मिले। और आज मैं एक रिव्यू कर रहा था गुलमर्ग के पर्यटक का, तो पता चला कि पर्यटकों की संख्या इतनी अत्यधिक बढ़ गई है कि पहले जहां पर डे यहां किसी सुरक्षा की साये में आकर पर्यटक आकर भूले भटके आ जाते थे, लेकिन इधर 370 हटने के बाद और माननीय मोदी जी की सरकार और यहां के स्थानीय लोग, एक एक लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, प्रत्येक कश्मीरियों का, जो आज विकास में विश्वास कर रहा है और आज सब अपने बच्चों की और अपनी भविष्य की ओर निहार रहा है, सकारात्मक रूप से निहार रहा है। और आज पता चला कि वहां पर डे 3,000 से 4,000 पर्यटक रोज आ रहे हैं। और मैं पिछले 2023 की बात करूं, 2022 के मार्च से लेकर 2023 के मार्च तक तो इस कश्मीर में लगभग 2,000 पर्यटक आए हैं। जब मैं इसके पहले आया था, कुछ 12 में गया था, ऐसे एक रिव्यू कर रहा था वहां की डेवलपमेंट का, तो कुछ गरीब कश्मीरी भाई बाहर बैठकर इंतजार कर रहे थे, जिनसे मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, लेकिन उन्होंने मिलने की इच्छा जब जाहिर की तो मैं उनसे बात किया, और उनका एक बहुत बड़ी गुहार थी, कहा कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरे पास कोई रोजगार का उपाय नहीं है, आप जाकर मोदी साहब को यह कह दीजिए कि हमारे पर्यटन को बढ़ावा दे। और यहाँ पर्यटन से कश्मीर का विकास होता था, कश्मीर जाना जाता था, और आज इतने पर्यटक आ रहे हैं कि आज कश्मीरियों की आमदनी, खासकर गरीबों के और ऐसे लोग जो दुकानदार हैं, छोटे मोटे व्यापार कर रहे हैं, चाहे बोट चलाने वाले हों, चाहे खच्चर या और घोड़े के माध्यम से पर्यटकों की सेवा देने वाले हों, कहीं होम स्टे का हो, कहीं छोटे छोटे ढाबा दुकान की हो, किसी छोटे दुकानदार की हो। और आज जब यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, यहाँ की सब्जियां, यहाँ के दूध, यहाँ के होटल, यहाँ के अन्न, यहाँ के कपड़े, यहाँ के जूते, यहाँ के छाते, यहाँ की बहुत सारी सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, तो आज यह हंसता हुआ कश्मीर देखने को मिला है। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, लीडरशिप में, और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, और एक एक कश्मीरियों के साथ से और उनके विश्वास से कश्मीर बहुत आगे बढ़ रहा है। यहाँ रोजगार के भी अवसर आ रहे हैं, यहाँ एम्स खुले, यहाँ कई हॉस्पिटल दिए गए, यहाँ कई NH का निर्माण हुआ, यहाँ जो है सो विद्युत उत्पादन की कई इकाइयां लगी, जिससे विद्युत का उत्पादन बढ़ा है। यहाँ अखरोट इतने भारी मात्रा में इसकी उपज होती है, इसके पहले आए थे तो हम वहाँ की एक इकाई को 50 लाख का हम वहाँ जो उनको देना था सरकार की तरफ से, वो बैंक जो उनको दी थी,
तो उनको मैं दिया था। और यहाँ कई क्षेत्रों में यहाँ सेब के व्यापारियों का क्या होता था, मोदी सरकार ही थी उस कोरोना काल में, सेब के व्यापारियों का सेब कोई लेने वाला नहीं था। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट उसको खरीदी है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट आज बिहार यहाँ कश्मीरियों के साथ मिलकर, जो एक साथ मिलकर यहाँ उद्योग को बढ़ावा दे रही, इससे रोजगार पनप पड़े हैं। तो आज कश्मीर विकास की ओर है, विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। और कश्मीरियत जिसके मन में है, जो इसकी अनोखी चीज है, उसको भी संरक्षण मिल रहा है। तो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज यह कश्मीर भारत के मूल अवधारणाओं के साथ हिल मिलकर, यहाँ एक मैं रिव्यू कर रहा था कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर राष्ट्रीय सेवा में भी आप बड़ा योगदान देने लगे हैं, पढ़ने लिखने लगे हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में कश्मीर से निकलकर देश के विभिन्न हिस्सों में जा रहे हैं। तो कश्मीर जो स्वर्ग कहा जाता था, फिर अपना कश्मीर स्वर्ग हो गया है, भारत का मुकुट है। या हाँ बताएं बताएं, बात करें आज के विजिट को लेकर, क्या कुछ खास इश्यूज रहेंगे जो आप एड्रेस करने जा रहे हैं? देखिए, मैं कई चीजों को लेकर आया हूँ। एक तो अपने जो सीमा पे सुरक्षा की हमारी व्यवस्था है, उसकी हमने थोड़ा रिव्यू किया है। और मैं आज कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सीमा पूर्ण सुरक्षित है। हमारा कोई भी दुश्मन इधर अगर आग उठाने की कोशिश की, तो उसको बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं यहाँ विकास का रिव्यू करने के लिए भी आया हूँ। पर्यटकों की स्थिति क्या है, पर्यटकों की सुविधा क्या है, पर्यटन को बढ़ावा मिला है उसका रिजल्ट क्या आया है। और आज यहाँ हम जिस सेंटर पे आए हैं, हमारे विकलांग भाइयों बहनों के लिए, बच्चों के लिए, आज यहाँ नई इकाइयों का उद्घाटन भी, पहले से संस्था यहाँ चल रही है। और यहाँ हमारे साथ सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, इस संस्था के भी अधिकारी हैं, डीसी हैं, डीडीसी हैं, सारे लोग। और यहाँ इस गदरवल जिले के डेवलपमेंट का भी हम यहाँ थोड़ा रिव्यू करेंगे। और यह मेरा यहाँ प्रोग्राम है। सर, कोई युद्ध के बारे में कोई बात करेंगे, जो यहाँ युद्ध चल रहा है उसके बारे में बताए कि जल्दी से हम शांति आ जाए? देखिए देखिए, एक चीज है ना, देखिए हाँ मैं बता रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से भारत के मंशा को दर्शाया है। और वही भारत का मन है, वही भारत की सोच है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से दुनिया को बता दिया है। और जहां तक आप पहला शब्द युद्ध का बोले, तो अब भारत वह नहीं है भारत 1961 का और 62 का और 47 का 48 का भारत। यह भारत 21वीं सदी का भारत है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने जहां ट्रैक्टर को ही विकसित किया है, तो राफेल भी इसके पास है। और आज हम इतनी मजबूत है कि आज किसी को करारा जवाब दे सकते हैं। भारत की संप्रभुता की ओर कोई देखने की कोशिश भी किया, तो उसका नाम और निशान मिटाने की स्थिति में आज औकात में भारत है। इसी कश्मीर में आतंकवाद के कारण कितना हमारे कश्मीरी भाई बहन कितने भय को झेला है, कितने कष्ट को झेला है, आज इसी कश्मीर से आतंकवाद लगभग समाप्ति की ओर है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी कश्मीर के भाई अगर किसी बहकावे में आकर आतंकवाद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप आइए यहां जम्मू कश्मीर प्रशासन से हाथ मिलाइए, आपकी पूरी चिंता की जाएगी। अगर कोई हमारी सीमा के पार से अगर कोई आतंकवाद को बढ़ावा देना चाह रहा है, तो उसको आज मैं यहां से कह भी रहा हूं कि इसके परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे।